आज 9 नवंबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। जैसे ही शरीर हल्का हो रहा है, बहुत हल्का प्यास, अपने आप दो आंखों के बीच एकाग्र हो रहे हैं, महसूस करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग, शांत स्वरूप, शांत, मैं अविनाशी हूँ। ये शरीर बचपन में छोटा था, इसे खिलाया पिलाया बड़ा हो गया, एक दिन ये चला जाएगा, पर मैं अविनाशी हूँ, सूक्ष्म बिंदी हूँ। जैसे शरीर छोटा बड़ा होता है, मैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, मैं आत्मा परम धाम से इस पुरानी दुनिया में अवतरित हुई हूँ। आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली और मुख से बोलने वाली हूँ। ये शरीर रथ है और मैं आत्मा इसकी रथी हूँ। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है, मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। ज्ञानवान हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा निश्चय पक्का है, मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अटल निश्चय, नशा संपन्न आत्मा, हर कर्म करने से पहले इस विजय का तिलक और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रहता है। मैं आत्मा हमेशा प्यार के सागर शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे रहते हूँ, इसलिए कभी भी कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और बाबा मुझे देखकर अति हर्षित है, प्यार से दृष्टि दे रहे और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के बाबा मुझे वरदान दे रहे कि बच्चे, आप निश्चय बुद्धि विजयी रतन हो, अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हो, आप ज्ञानवान आत्मा हो और हमेशा भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने के कारण विघ्न विनाशक हो। आपकी विजय निश्चित है क्योंकि बाबा की सर्वशक्तियां, दुआएं और वरदान हमेशा आपके साथ है।
बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।